हाउ टू सेंड पेटीएम वॉलेट मनी विदाउट चार्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो पेटीएम वॉलेट को लेकर जुड़ा है, जिसमें सोनू और मोनू आपको बताने वाले हैं कि आप पेटीएम वॉलेट का पैसा फ्री में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सोनू और मोनू तो दोस्त हैं, ये उन्हीं की कहानी है और उन्हीं की जवानी में आपको पता चलेगा कि आप किस तरह पेटीएम वॉलेट का पैसा फ्री में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए सीधा हम सोनू और मोनू के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह फ्री में पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक था मोनू, मोनू ने खोला पेटीएम के अंदर अपना अकाउंट। अकाउंट ओपन होने के बाद उसने अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर मंगा लिया पैसा। पैसा मंगाया उसने 5,000 रुपये का। अब मोनू के पास पेटीएम वॉलेट के अंदर पड़े थे 5,000 रुपये, लेकिन जब उसने उसको ट्रांसफ़र करना चाहा अपने बैंक में तो उसमें उसको लगा चार्ज। 100 रुपये पे उसके कट रहे थे 3 रुपये एक्स्ट्रा, 1,000 रुपये पे उसके कट रहे थे 30 रुपये, और 5,000 रुपये सेंड करने पर उसके कट रहे थे 150 रुपये एक्स्ट्रा। यानी अगर वो अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक में भेज रहा था तो उसका लग रहा था 150 रुपये एक्स्ट्रा। अब उसने सोचा कि भाई इतना पैसा मैं क्यों दूँ। उसने फिर लिया इंटरनेट का सहारा और फ्री में मनी ट्रांसफर करने की ट्रिक खोजने लगा, लेकिन उसको कहीं कोई तरीका नहीं मिला। इतने में उसके पास उसका दोस्त आया सोनू। मोनू ने अपनी समस्या सोनू को बताई और सोनू ने बताया उसको एक ऐसा समाधान जिसका इस्तेमाल करके वो फ्री में अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के मनी ट्रांसफर कर पाया। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर मोनू ने उसको क्या बताया। मोनू ने उसको बताया कि सोनू भाई, तू अपना एक पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, यानी पेटीएम मर्चेंट आईडी क्रिएट कर ले। पेटीएम मर्चेंट आईडी क्रिएट करने के बाद तुझे मिल जाएगा एक बार कोड, और उस बार कोड का इस्तेमाल करके तू अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। सोनू के कहने पर मोनू ने प्ले स्टोर से पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करी और उसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट ओपन करने के बाद उसके पास में एक बारकोड था और उसके वॉलेट में पड़ा पैसा था। अब दिक्कत ये थी कि जो उसका वॉलेट का पैसा है वो उसके बैंक अकाउंट में कैसे जाए। तो वो फिर से सोनू के पास गया। सोनू के पास जाकर मोनू ने फिर से अपनी समस्या बताई कि भाई मेरा मर्चेंट आईडी तो क्रिएट हो गया है, मेरे पास बारकोड भी है, लेकिन मेरी समस्या यह है कि जो मेरे वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा है वो मैं अपने बैंक अकाउंट में कैसे लूं। तो सोनू ने फिर उसको बताया कि भाई जो तेरे पेटीएम वॉलेट का पैसा है तू वो मेरे पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर दे। पेटीएम वॉलेट का पैसा अगर तू किसी पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करेगा तो वो बिल्कुल फ्री होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, और फिर मैं अपने पेटीएम वॉलेट से तेरे मर्चेंट आईटी वाले बारकोड को स्कैन करूंगा और तेरा पैसा तेरे बैंक अकाउंट में भेज दूंगा। तो फिर मोनू ने अपने पेटीएम वॉलेट का जो पैसा था वो भेज दिया सोनू के वॉलेट में, और सोनू ने अपने पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और वहां से बारकोड स्कैन करके जो मोनू का पैसा था वो मोनू के अकाउंट में अपने पेटीएम वॉलेट के द्वारा भेज दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक है जो सोनू और मोनू ने खोजी है, जिसका यूज आप सभी कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान है कि भाई उनके वॉलेट के अंदर मनी पड़ी है, लेकिन जब वो मनी अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें उनका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो आप इस ट्रिक का यूज करिए। इस ट्रिक का यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पेटीएम की बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है जिसे बोलते हैं मर्चेंट अकाउंट। जब वो अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा बारकोड, उस बारकोड के द्वारा आप किसी से भी पैसा मंगा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और जो पैसा रिसीव होगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। क्योंकि जब आप मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट उस मर्चेंट अकाउंट के साथ लिंक करना होता है, जिससे भी आप पैसा देंगे वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन उसमें लगता है टाइम 24 से 48 घंटे का। सपोज करिए
अगर सोनू ने मोनू को पैसा भेजा है तो मोनू के पास जो पैसा आएगा वो 24 से 48 घंटे के बाद आएगा, हैंड टू हैंड नहीं आएगा। तो आप पेटीएम की इस ट्रिक का यूज जरूर करिए और फ्री में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के अपने वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए। अगर आपको सोनू मोनू की ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो आप सीधा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे फोन करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा इस ट्रिक को यूज करने में। तो मुझे उम्मीद है सोनू और मोनू की ये ट्रिक आप सभी को जरूर पसंद आएगी। आगे भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूंगा जो आप सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में फ्री में कैसे भेजें। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके करिए, ताकि हर कोई फ्री में अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।